यकीन, अल्लाह आसमान से फौजें उतारेगा यकीन मेरे लिए। मैं ये फलसफे जो मेरे खिलाफ लिखे जा रहे हैं इसको तब्दील कर दूंगा एक दिन, ये यकीन। अल्लाह मेरी जुबान को वो गोयाई देगा एक दिन रब्बी शराली पढ़ने के बाद, ये यकीन। अंतुम अलौन इन कुंतुम मुमिनीन, किसी भी फील्ड में अगर ईमान वाला काम कर रहा होगा किसी भी फैसेट में अल्लाह उसे गलबा जरूर देगा, यकीन। तिलकल अय्यामु नुदाबिलुहा बैनन नास, अल्लाह कहता है ये वक्त है कभी तुम्हारी तरफ कभी हमारी तरफ वक्त बदलने का, यकीन। ये यकीन हम कौम का एहसास बन जाएंगे एक दिन, ये यकीन। हमारा नजरिया लोगों की धड़कन बन जाएगा एक दिन, ये यकीन। पूरे के पूरे काफिले को लेके जाऊंगा वहां तक, ये यकीन। अगलों के सीने हिला दूंगा, ये यकीन। ये यकीन कि अल्लाह मुझे इन वादियों में अकेला तन तना मुजब्जब नहीं छोड़ेगा। अल्लाह शक को यकीन में बदलेगा, ये यकीन। शहवत को सबर में तब्दील करेगा, ये यकीन। उम्मीद और खौफ को बैलेंस करेगा एक दिन, ये यकीन। अल्लाह वो अल्फाजों की ताबीर मुझे एक दिन देगा, ये यकीन। मैं एक दिन पिंडाल गर्म करूंगा, ये यकीन। अल्लाह ताला मुझे उस वक्त के अंदर भी जब मैंने रुखसत होना इस दुनिया से, उन वक्तों का यकीन, अल्लाह वहां भी मेरा साथ भी छोड़ेगा, यकीन। तो लोगों में यह यकीन नहीं था, या वहां से मार खा रहे हैं आप, सर्टेंटी या सबर नहीं था। ये दो कुलियात अगर जमा हो जाए तो अल्लाह कहते हैं वजालना मिन हुआ, लीडर तैयार कर दिया हमने। तो लीडरशिप की डेफिनेशन आपने बहुत सुनी होंगी, मैं तो एक पेंडू देहाती आदमी हूं, हम तो गांव देहात के आदमी हैं भजन। आपको सिंपल सी अपने ही पिंड की बात सुनाऊंगा। एक लीडर कहते हैं वो जो जमा कर सके, जो जमा कर सके, वो एक फर्द और एक इंफरादियत का इज्तिमा खड़ा कर सके, वो जहां खड़ा हो उसकी साये के नीचे लोग जमा हो सके। और इसके लिए हर इंसान का अपना 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 एक मंदिर, हजारों फिरके होंगे उसके अंदर। हमारे चार नामी ग्रामी की बात नहीं कर रहा, हजारों फिरके होंगे उसके अंदर, जिसके तहत कुल्लु हिज्बिन बिमा लदैहिम फरीहून, हर बंदा खुश होगा अपने उसके अंदर। वो जमा करता है उसको, उसकी उसको उसकी उसको उसकी, ये सारी तफरीकात के बावजूद वो इंसानों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करता है, ख्वाब दिखाता है उनको, इकट्ठा करता है उनको, तस्ही करता है उनकी, तस्किया करता है उनका, पाकीजा करता है, खुद शनासाई कराता है उनकी, अपने आप से मिलाता है उनसे, शनाख्त का बहरान खत्म करता है उसमें, आइडेंटिटी क्राइसिस का फॉलोआउट को खत्म करता है उसमें, रब से मिलाता है उनको, उसकी अंदर के उसूलों की पाकीजगी करता है। फिर बितूली जमान, वक्त लगा लगा के, बितकरार के साथ रिपीटेडली उसके साथ रोज खच्चल खौरी करता है। फिर वो भागते हैं, फिर उस भेड़ को पकड़ता है, फिर दूसरा भागता है, फिर उसको पकड़ता है, रोज उसी ताकत के साथ फिर बाहर आता है और सबको जमा करता है और सबके अंदर अपना खून उतारता है, अपना जिगर उतारता है, अपना कलेजा उतारता है। ये होता है लीडर। अल्लाह कहते हैं अगर तू दुनिया को लीड करना चाहता है ना, दुनिया को चलाना चाहता, अभी तो ये जिस्म नहीं चल रहा हमसे, ये जिस्म नहीं चल पा रहा अभी हमसे, और बच्चों के मसाइल हैं कौम के। और एक वक्त आएगा उनके साए भी पना मांगेंगे तुझसे। वो जिंदगी क्या जिसे दुश्मन नसीब ना हो, अरे वो जिंदगी क्या जिसे हासिदीन नसीब ना हो। दुआ नहीं करनी चाहिए, लाता तमन्नो लेकाल दो, दुआ नहीं करनी चाहिए, लेकिन हुआ नहीं कभी। वो जिंदगी क्या जिसमें कलम तेरे खिलाफ ना चल रहे हो, डर क्यों रहा है, घबरा के क्यों बैठा है, बाहर निकल कुछ नहीं होगा, मगर ये झूठा लिबास जो पहन के जिंदगी चला रहा है भाई, इस झूठ से बाहर निकल। लोग मिले लोग डर गए, लोग मिले लोग घबरा गए, बरादरियों के नाम पर, जातों के नाम पर, इलाकों के नाम पर, स्टेटसों के नाम पर, अंग्रेजी के नाम पर, पंजाबी के नाम पर, उर्दू के नाम पर लोग मिले, लोग बट गए, लोग बिक गए इन चीजों के आगे। वो शेर इन आंखों ने कम ही देखे जो बाहर निकलता है इससे, जो उबरता उस कुएं से मेंढक जो बैठा हुआ है बैठ के, अपनी गर्दान याद कर रहा है बैठ के वहां।
और वो तनवो और डाइवर्सिटी लेके आता कि कायनात जम हो जाती है उसके अंदर आके, तब जाके तेरे साथ एक इंकलाब खड़ा होगा मेरे यार जिंदगी में। तब तू देखी तू काम नहीं करेगा, काम कुछ और करेंगे, नाम तेरा आ जाएगा। आज लोगों को भी लगता है शेख आतिफ बड़ा कर गया, सारा उसी का ही काम है। मैं तो एक पुतला हूं जिसको, क्योंकि अल्लाह को हमारी तरक्की से अपनी पॉइंट स्कोरिंग करने का शौक नहीं है। वलहुल हमदु फिल उला वल आखिरा, कुछ भी नहीं था तो भी उसकी हम थी। मोहताज नहीं है वो कि वो हमारी तारीफों का भूखा हो, दे देता है कि जा तू ले जा, दिया तुझे। ये तो उसकी शान है कि वो, ये तो इंसान था वमा कदरुल्लाह हक का कदरी, जिसने अल्लाह की कदर नहीं की। लेकिन अल्लाह कहता है जा तुझे नाम दिया, जा तुझे काम भी दिया, लेकिन करती उसी की फौजें हैं पीछे। तो ये दो उसूलों पर टिक जा बच्चे, जला सीने के रेगिस्तान में वो शमा जब जला इस टाइम पर, वो दर्द पैदा कर, दर्द खड़ा करता है इंसान को। लोगों के पास लोग पूछते हैं हमसे आके सवाल, पूरी दुनिया से सवाल आते हैं, और जिनके मैंने जवाब नहीं दिए तो मैं आज गिला दूर कर दूं। भाई मैं कोई चौधरी नहीं हूं जो मैं जवाब नहीं देता, मैं शोहरत एक फितना है और शोहरत एक वबाल भी हो चुका है। वो दौर अच्छा था जब गुमनाम था, एक बच्चे पे काम करता था, टका के काम करता था, अब नहीं कर सकता। अब इतना दुख है सीने के अंदर लोगों का, मैं अब जवाब नहीं दे सकता। तो बुरा नहीं मानिएगा अगर फोन नहीं उठाया किसी का, बुरा मत मानिएगा किसी को जवाब नहीं दिया, वक्त नहीं है अब, और सांसें भी अब पता नहीं कितनी रह गई जिंदगी की। तो मेरे यारों, ये सवाल तो कम से कम आखिरत में पूछेगा अल्लाह, दुनिया में पूछ लिया, क्या किया तूने, क्या करके आया। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन रियती के तहत बता क्या करके आया, कितनी रियाया बना के आया अपनी, कितने लोगों को इंपैक्ट करके आया लाइफ में, कितने लोगों पे तेरा डंका चलता था और सिक्का चलता था, कितने खानदान तेरे पास अपने मसले हल कराने आते थे। क्यों नहीं बन सका तू वो मिस्दाक के हर बादशाह की एक राया होती है और हर बादशाह से उसका सवाल किया जाए, और ये सारी बादशाहते मिलके अपने दो इंड की बादशाह नहीं बनाती, वो एक बड़े हाकिम को कॉन्स्टिट्यूट कर देते हुकूमत को। हमने अपनी जंगें भी नहीं जीती और मुल्क की जंगें भी नहीं जीती, और गिले हमारे हजारों से। बड़े लोग नकद नहीं करते बेटा, बड़े लोग काम करते हैं। वो कहते हैं ना, आई विल नॉट टॉक, लेट माई लैम्बोर्गिनी मेक द नॉइस, मेरी तरक्की जवाब देगी आपकी, मेरे लोग जवाब देंगे आपको, हम जवाब नहीं देंगे। पत्थर लोग जब तुझे पत्थर मारें, पत्थर ना मारी, दरख्त बनी, फल दी लोगों को, अपनी इस बात से उस नफी का इख्तिताम कर। दर्द चाहिए, दर्द मैं सुनता हूँ अब हर जगह जाके, और अब तो मुझे हर जगह मसनूई तकरीरें करनी पड़ती हैं, मुझे वो फील ही नहीं आती अब कहीं जाके। कल मैं एक जगह गया हूँ, मैंने अपने बंदे को बोल दिया मुझे उठा ले भाई यहाँ से, मेरा बिल्कुल कती दिल नहीं कर रहा यहाँ तकरीर करने का, ये शूशा ये फूफा अगर बुला लें इससे शेख आतिफ नहीं चलता। शेख आतिफ चलता है जहाँ उसका कलेजा जवाब दे, यहाँ बोलना चाहिए जब बैठे हों लोग दर्द लेके।